बदलते वक्त के साथ बदलती है तकदीरें, बदलते वक्त के साथ बदलती है तस्वीरें, इंसान वही रहता है, बदल जाती है तस्वीरें। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। नमस्कार, आज हमारे बीच विश्वनाथ पोद्दार जी हैं, जो कि बढ़िया लेखपाल भी रहे हैं, निर्माता भी रहे हैं और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है एज ए डायरेक्टर। तो हम आज मुखातिब होंगे विश्वनाथ पोद्दार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर एक निर्माता की भूमिका में हैं। देखिए, संक्षिप्त में मेरा जीवन परिचय है जी। मैं बेगूसराय जिला के बखरी बाजार का मूल निवासी हूँ जी। और अभी मेरा निवास स्थान, अस्थाई निवास स्थान बेगूसराय नगर के बाघा में है जी। जो अर्चना विहार कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी रिफाइनरी में कार्यरत था जी। मैं 2012 में सेवानिवृत्ति के बाद जी मैं अपना यहाँ अस्थाई निवास बना लिया जी। सर, आप अपने बचपन और अपने जिंदगी के बारे में बताएं। देखिए, मेरा बचपन अपने गांव बखरी बाजार में बीता जी। बचपन गांव में बीतना बड़ा सुखदायी होता है जी। जब भी उसकी याद आती है जी तो रोमांचित हो जाता हूँ। गांव में दोस्त यारों के साथ पढ़ना लिखना जी, हंसना बोलना समय गुजारना जी आनंदित करता था, बहुत आनंदित करता था जी। सर, बचपन की कुछ यादें जो अभी तक आपको याद हो, आपके जहन में हो। हाँ, एक घटना है जी जो मुझे अभी तक रोमांचित कर रहा है जी। स्कूलों में छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए प्रतियोगिता हुआ करती थी जी। उसी में एक बार जिलेबी दौड़ का प्रतियोगिता आयोजित हुआ था जी। जिलेबी दौड़ प्रतियोगिता क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एक लंबे रस्सी को, रस्सी के दोनों छोर को जी दो पिलर में बांध दिया जाता है जी, और एक फीट की दूरी पर उसमें जिलेबी टांग दिया जाता है जी। और प्रतियोगी जो उसमें भाग ले रहे हैं जी उसका दोनों हाथ पीछे से बांध दिया जाता है जी, और 100 फीट की दूरी से उस जिलेबी को मुंह में लेकर वापस लाने को कहा जाता है जी। और जो सबसे पहले लेकर आता है जी वो बाजी मारता है, और जिस समय वो जिलेबी मुंह में डालना चाहता है उस समय जिलेबी को डोला दिया जाता है जी। तो मैं भी उसका प्रतिभागी था जी। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो मैं भी उसमें भाग लिया, दौड़ा, और जैसे ही जिलेबी के नज़दीक पहुँचा और मैं मुंह खोला जी, लेकिन किसी ने मेरे मुंह में जिलेबी डाल दिया जी। अब ये तो आश्चर्य वाली बात है कि भाई हम मुंह खोले और किसी ने डाल दिया जी, तो हमको तो आसानी से मिल गया। हम तुरंत वापस लौट करके बाजी मार लिए, प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए, और पारितोषिक के रूप में मुझे उस समय चला हुआ था लाइफ बॉय साबुन, सनलाइट साबुन जी, और ये दोनों मुझे मिला था। यह घटना मुझे जब भी याद आती है तो मैं रोमांचित हो उठता हूँ। सर, आपका पढ़ाई और कार्य क्षेत्र क्या रहा है? देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई। उस समय एक राजकीय विद्यालय था और प्राइवेट स्कूल भी, जहाँ गुरुजी पढ़ाते थे पुरानी पद्धति से, तो हम गुरुजी के स्कूल में पढ़े थे पुरानी पद्धति के अनुसार। हमारे गुरु का नाम था
वेदानंद ठाकुर, पंडित वेदानंद, बड़े विद्वान थे, तो उनके स्कूल में हम मिडिल तक पढ़े, मतलब सातवां तक पढ़ाई किए। सातवां के बाद हाई स्कूल में आठवां में नाम लिखाए, और आठवां में आने के बाद तब ABCD लिखना सीखे। और उस स्कूल में 1966 में हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद कोसी कॉलेज खगड़िया से 1970 में कॉमर्स ग्रेजुएशन किया, BCOM किया। और फिर सर्विस में आने के बाद, सरकारी नौकरी में आने के बाद, हमने PG कॉमर्स में डिग्री ली मिथिला यूनिवर्सिटी से। सर, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहा? देखिए, दाम्पत्य जीवन की कहानी बड़ी लंबी है। क्या है, हकीकत कहानी में हकीकत है, कहानी में हकीकत है, और हकीकत में कहानी है। क्या बात, कहानी में हकीकत है, हकीकत में कहानी है। मैं जिंदा हूँ अब तक, मैं जिंदा हूँ अब तक, सबको हैरानी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी सारी 16 बरस की उम्र में, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, 1968 में हुई जिस समय मेरी शादी हुई, उस समय मेरी पत्नी भी मैट्रिक की परीक्षार्थी थी। शादी होने के बाद पत्नी ससुराल आई, और सप्ताह भर रहने के बाद फिर चली गई, अपने मायके गई। तो उस समय का जो रीति रिवाज था, उस रीति रिवाज के अनुसार दुरागमन होने के बाद ही पुनर्मिलन हो सकता है, उससे पहले नहीं। तो हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। साल भर के बाद, दुरागमन के बाद आई पत्नी, रूपवती तो थी ही, कर्मठ और साहसी भी थी। घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए वो नौकरी करने की ठानी, और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद टीचर्स ट्रेनिंग लखीसराय में दाखिला ली, और मुझको भी पढ़ने की हिदायत देती रही। परिश्रम काम आया, मैं भी BCOM किया, वो भी टीचर्स ट्रेनिंग में सफलता प्राप्त की। तदुपरांत कुछ दिनों के बाद, चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जिस प्रकार अभी है उसी प्रकार उस समय भी था, जिसके पास पैसा था, पैरवी था, उसको नौकरी मिलती थी, जिसके पास नहीं था वो रोड पर घूमते थे। तो हम लोगों के अथक प्रयास से, परिश्रम से समय बदला, और भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि एक ही साथ, एक ही दिन हम दोनों पति पत्नी का ज्वाइनिंग लेटर आया। मेरी पत्नी को मध्य विद्यालय गढ़हरा में सहायक शिक्षिका पर नियुक्ति हुई, और मेरा बरौनी वाइल्ड फाइडी में अकाउंट ट्रेनी के रूप में ज्वाइनिंग हुआ। हम लोगों का समय बदल गया, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी सुखी पूर्वक चलने लगी। ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से 4 पुत्र, 1 पुत्री के साथ ही जो भी चाहा सब कुछ मिला। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगता है। समय किसको कहां से कहां पर खड़ा कर देगा किसी ने नहीं देखा है।
हमारा भी दुर्दिन आया, समय बदला, दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर गिर गया और हमको इस मुसीबत के कारण दो दो ट्रांसफर प्रमोशन छोड़ना पड़ा। दुख दर्द को मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और हार्ट अटैक में फरवरी 2007 में स्वर्ग सिधार गई। अब मेरा परिवार बिखरने को था, संभालना मुश्किल था, बच्चे सब थे, हमको धैर्य धीरज से काम करना पड़ा। और कहा जाता है कि समय जो है, वक्त जो है, बड़े बड़े जख्म को भर देता है। जख्म तो भर देता है लेकिन दाग नहीं मिटा पाता, याद तो हमेशा दिल में रहती ही है। खैर समय व्यतीत हुआ, बच्चे सब होशियार हुए, पढ़ लिख कर जॉब में गए, अपने अपने काम पर सब खुशी हैं, सुखी हैं, समय पलटा खाया है, फिर जिंदगी पटरी पर चल रही है और सभी बच्चे अपने पैर पर खड़ा है, सब खुश हैं, हम भी खुश हैं। सर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है? जिंदगी की तो पहली उपलब्धि जिसके आधार पर हम इतना आगे बढ़े हैं ये हमारी नौकरी ही है, ये पहली उपलब्धि है जिसके आधार पर हम इतना आगे बढ़े हैं। और भोजपुरी फिल्म वर्मा रंगरसिया जिसका मैं प्रोड्यूसर हूँ, इसको बना करके पर्दा पर ला करके प्रदर्शन कर देना जी, ये सबसे मेरी उपलब्धि है सर। और दूसरा उपलब्धि जी, नीतीश सरकार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के शराबबंदी आंदोलन के समर्थन में मैंने शराबी दुल्हा को बनाया है जिसको बिहार सरकार से पुरस्कृत भी किया गया है। तीसरा है मेरा रक्षक जो हेलमेट पर आधारित है, निर्माणाधीन है जी। और चौथा है कि मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन का फेलो मेंबर हूँ बम्बई में जी, ये भी मेरी एक उपलब्धि है। और पांचवा सुंदरम मूवी के नाम से जी, मैंने एक दूसरा अपना फिल्म हाउस प्रोडक्शन बनाया है जिसका निबंधन हमने मुंबई से करा लिया है। सर आपने जिंदगी में कभी सोचा था कि हम एक फिल्म निर्माता बनेंगे? देखिए ऐसा है कि कभी कभी हाथ पकड़ के भाग ऐसा काम करा देता है जिसको हम सोचते नहीं हैं और यही हुआ जी। हमारा पुत्र राम सुंदर गांधी जब बलमा रंगरसिया का निर्माण करने का सपना संजोए हुए था जी, और उस और कदम जब बढ़ाया जी, तो उसको आर्थिक परेशानी हुई जी। बिना पैसा का तो फिल्म बनता नहीं है जी, बहुत पूंजी लगती है। मैंने कहानी पढ़ा जी, कहानी मुझको पसंद आई और पसंद आने के बाद मैं इसे बनाने का बीड़ा उठा लिया और तब तक दम नहीं लिया जब तक कि इसको पर्दे पर नहीं ला दिया। एक दिन में बिहार में 27 सिनेमा घरों में मैंने इसको प्रदर्शन करवाया और इस तरह से मैं फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। बहुत बहुत बधाई सर। सर
आप एक निर्माता बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया? देखिए, इसमें पैसा वाली बात है, मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ जी, और मैं रिटायर किया था, रिटायरमेंट का मेरे पास पैसा था जी, तो उसमें से कुछ पैसा इसमें लगा दिया, शिफ्ट कर दिया। सर, गांधी एंटरटेनमेंट के तहत जो रंग बलमा रंगरसिया फिल्म बनी है, उसके आप गीतकार भी हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? हाँ, कहानी है, इसमें भी गीतकार बनने में भी कहानी है जी। मैं विद्यार्थी लाइफ से ही कविता और गीत लिखा करता था जी। और कविता गीत कैसे लिखना शुरू किया, इसमें भी कहानी है जी। हमारा एक क्लास फेलो था जिसका नाम था ललतेश्वर प्रसाद साहब साह, दोनों घनिष्ठ मित्र थे, एक ही साथ बच्चा से पढ़े थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, दोनों खगड़िया में रह रहे थे, वो लव अफेयर्स में पड़ गया जी। लव अफेयर्स में पढ़ने के बाद उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, हमेशा हमेशा खोया खोया रहता था जी। मैं उसे देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतना चालू पुरिया लड़का और खोए खोए रहता है, क्या बात है। बहुत कुरेदने पर उसने कहानी बतलाया, जैसे ऐसे बात है, लड़की का नाम था किरण जी, अनायास मेरे मुख से कविता निकल गया उसी समय, अनायास जी। दो लाइन में आपको सुना दे, स्वागत। हे किरण, तेरी जलन तपता बदन पिघला रहा है, क्या बात है, इश्क के तूफान में लाला जीवन का जिंदाबाद। और यहीं से मेरा कविता लिखना शुरू हुआ। और तब जब मैं फिल्म देखा करता था तो कास्टिंग में जो दिखाया जाता है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन गीतकार है, संगीतकार है, तो गीतकार का नाम देखकर मेरे मन में भी प्रबल इच्छा जगती थी कि काश मैं भी गीतकार होता, मेरा भी नाम पर्दे पर आता जी। ये मेरी प्रबल इच्छा थी जो ये बलमा रंगरसिया में पूरा हो गई जी। हुआ ऐसा कि जब गीत की बात आई इस फिल्म में देने की जी, तो बैठक शुरू हुई। बैठक में सुंदरम ने दो तीन गाना का रिकॉर्ड तैयार करके लाया था जी, सिचुएशन के अनुसार वो फिट नहीं हो रहा था जी, फिट नहीं हो रहा था। तब खोज शुरू हुआ गीतकार का, भाई कौन गीत लिखेगा। मैं उस मीटिंग में था, कहानी पढ़े हुए थे हम, भोजपुरी आता नहीं था जी, हम तो हिंदी में लिखते थे जी। तो हमने टीवी देखना शुरू किया जी, और टीवी देख करके बहुत सारे गाना भोजपुरी का देखा, और देखने के बाद उसका भाषा को पकड़ा और शब्द को पकड़ा जी, और भाषा और शब्द को पकड़ करके जी मैंने लिखना शुरू किया। और जब लिखना शुरू किया कि बहुत सारे गाने लिख दिए जी, फिर बैठक में सब गाने को प्रस्तुत किया, सब ने पसंद किया, वाह वाह बहुत सुंदर बहुत, और मेरे उसमें से ही 8 गाने जी पसंद किए गए और 8 गाना इस फिल्म में डाला गया। और इतना सुंदर कर्णप्रिय और इतना बोल अच्छा है कि YouTube पर इसको लाखों बार देखा जा चुका है, लोग देख रहे हैं जी। और यही से हम गीतकार इस फिल्म के बने। सर, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। क्या आप एक कवि भी हैं, तो हम चाहते हैं कि एक दो पंक्तियां अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचाते तो यह हमारे लिए बड़ी बात। जरूर जरूर। अब देखिए, कानपुर से निकलने वाली एक साहित्यिक पत्रिका उच्च कोटि की व्यंजना है जिसमें मेरी यह कविता प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है कुछ नहीं बस प्यार दे दो। क्या बात, प्रस्तुत है। जरूर, स्वागत। कुछ नहीं बस प्यार दे दो, जीने का आधार दे दो। क्या बात, कुछ नहीं बस प्यार दे दो, जीने का आधार दे दो। सुना मेरा संसार लगता प्यार के बिन भार लगता, सुना मेरा संसार लगता प्यार के बिन भार लगता, डगमगाती जिंदगी को प्यार का पतवार दे दो। क्या बात है सर, कुछ नहीं बस प्यार दे दो। प्यार के दहलीज पर, प्यार के दहलीज पर जी रहा उम्मीद पर, प्यार के दहलीज पर जी रहा उम्मीद पर,
दोगे न प्यार हमें, दोगे न प्यार हमें, इतना तो एतबार दे दो। क्या बात है, कुछ नहीं, कुछ बस नहीं, प्यार दे दो। सर आपने शराबी दुल्हा का भी निर्माण कराया, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए शराबी दुल्हा, शराब समाज पर कितना कुप्रभाव डालता है ये किसी से छिपा नहीं है। ये कितने को घर गुजारा, कितने को बर्बाद किया, तो इस बुराइयों को, इस कुरूतियों को रोकने के लिए ये माध्यम है, सिनेमा जो है सो एक माध्यम है समाज के कुरूतियों को, बुराइयों को रोकने के लिए सशक्त माध्यम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार की नशाबंदी को, नशाबंदी का समर्थन करने के लिए मैंने ये शराबी दुल्हा को बनाया। सर अभी एक फिल्म और आपकी आने वाली है, अगर उसके बारे में भी कुछ बताएं तो। हाँ ये रक्षक है जी, ये हेलमेट पर बनाया गया है, हेलमेट के उपयोगिता को इसमें दर्शाया गया है कि थोड़ा सा नेग्लिजेंसी के कारण आदमी अपने प्राण को जोखिम में डाल देता है, हेलमेट नहीं लगाता है और एक्सीडेंट होने पर अकाल मौत हो जाता है, काल कल्पित हो जाता है। तो जनता को सचेत करने के लिए कि हेलमेट पहनिए, जरूर पहनिए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म का निर्माण किया गया। सर आगे वाली भविष्य में भी आपकी फिल्म आएगी, इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर आप आगे की आपकी क्या योजना है, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालें। योजनाएं तो बहुत हैं जी, लेकिन अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इस पीरियड में कुछ भी योजना को सफल बनाना संभव नहीं है, इसलिए योजनाएं तो हैं बहुत जी, लेकिन अभी इस योजना पर काम नहीं हो रहा। सर किसी भी व्यक्ति में सेवानिवृत्ति वो पड़ाव है जहाँ से आदमी या तो उत्थान की तरफ जाता है या ढलान की तरफ जाता है, तो आप जब सेवानिवृत्त हुए तो आपको कैसा अनुभव हुआ? देखिए एक गीत सुने होंगे, चलना ही जिंदगी है रुक जाना मोतियारो। क्या जब तक आपके पास ऊर्जा है काम करते रहिए, चलते रहिए, ऊर्जा को व्यर्थ मत गवाइए। मेरी एक कविता है जरूर चाहिए। बुढ़ापा आएगी नहीं, बुढ़ापा आएगी नहीं अंदर से जवानी हो, बुढ़ापा आएगी नहीं अंदर से जवानी हो, शराब उतनी नशीली जितनी पुरानी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो रिटायरमेंट के बाद मैं 2 मई 2012 में सेवानिवृत्त हुआ बरौनी वाइल्ड डिफाइंडिंग बेगूसराय से एज ए अकाउंट, सीनियर अकाउंटेंट। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने साहित्य और कला से अपने को जोड़ लिया। साहित्य और कला जोड़ने से क्या हुआ कि नए नए लोगों से जान पहचान हुई, जान पहचान का दायरा बढ़ा, दोस्त मित्र बढ़े जी, बुद्धिमानों से दोस्ती हुई, और जिसके कारण समाज में घुल मिल गए, और समाज में घुल मिल जाने के बाद सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन में हिस्सा लेने का मौका मिला, और मौका हिस्सा लेने पर जिंदगी हमारा जो है सुख से कटने लगा। मेरी इस पर भी एक कविता है जरूर सर। नहीं
बीते न बीते पल का अफसोस, क्या न आने वाले कल का डर, न बीते पल का अफसोस, न आने वाले कल का डर। जिंदगी के राह पर चलता चल, जिंदगी के राह पर चलता चल, जिंदगी के राह पर चलता चल। सर, आप अपने पुत्रों से कितना लाभान्वित हैं, क्योंकि जिस पड़ाव में हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बुज़ुर्ग पिता के लिए बड़ी विडम्बना होती है, तो आप अपने पुत्रों से क्या सहयोग चाहते हैं? देखिए, सभी पुत्र, मुझे चार पुत्र एक पुत्री है जी, जिसको मैं हीरा मोती कहता हूँ, चार हीरा एक मोती है जी, चार पुत्र एक पुत्री जी, सभी करवट है, पढ़े लिखे हैं और सभी अपने जॉब में हैं। तीन पुत्र बाहर रहता है, एक पुत्र राम सुंदर मेरे साथ रहता है, पुत्री भी बाहर में जॉब करती है और सभी अपने पैर पर खड़ा है, सभी हमारा हाल समाचार बराबर पूछते रहता, पापा कैसे हैं, बढ़िया से रहिए, और इस खास कर इस कोरोना काल में प्रतिदिन टेलीफोन करके मेरा हाल चाल लिया करते हैं। इसलिए मैं अपने पुत्रों से, पुत्री से बहुत खुश हूँ। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, या हमारा अहोभाग्य था, आप केवी स्टूडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे? आभार पर डॉक्टर रोशन कुमार का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और केवी स्टूडियो के केवी स्टूडियो के पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर लाकर साक्षात करने का मौका प्रदान किया। मैं इसकी शुभकामना चाहता हूं और आशा करता हूं कि छिपे हुए प्रतिभा को इसी तरह मंच प्रदान कर उनको आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखें। सर, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, हम गौरवान्वित हैं और आपको भी ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आप यूं ही हम लोगों को प्रकाशमय करते रहें। हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, आप आए हमारे तक, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद।